सब्सक्राइब करें चिली फ्लेवर चैनल को और बराबर में घंटी का आइकन है उसे दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चिली फ्लेवर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बचे हुए ब्रेड की रेसिपी बनाकर दिखाने वाली हूँ। जब भी आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अंदर की जो सॉफ्ट ब्रेड्स होती हैं उसको तो आप खा लेते हैं, लेकिन ये जो ऊपर की मोटी ब्रेड्स होती हैं इसे हम में से ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, जिससे कि ब्रेड का नुकसान होता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही बची हुई ब्रेड से बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाकर दिखाने वाली हूँ। आज इससे हम बनाएंगे मसाला पाव की रेसिपी, और ये मसाला पाव ऐसे बनकर तैयार होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बचे हुए ब्रेड से कोई ऐसी रेसिपी भी तैयार कर सकता है, और जिसे भी खिलाएंगे वो यही पूछने वाला है कि आपने ये कैसे बना लिया। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इस रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चॉप की हुई वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो छोटे साइज़ के टमाटर लिए कटे हुए, दो ही प्याज ली हैं बारीक कटी हुई, एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली है इसे भी हमने बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च ली हैं कटी हुई, और यहाँ पर आप अदरक और लहसुन देख सकते हैं, एक इंच अदरक मैंने लिया है, और लगभग 4 से 5 लहसुन लिए हैं, इनको मैंने बारीक कूट लिया है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नींबू का रस, क्योंकि हमारी रेसिपी थोड़ी सी खट्टी बनाएंगे हम। गार्निशिंग के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर हरा धनिया, और इसे मैंने चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैन, और पैन के अंदर हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच बटर, क्योंकि हम मसाला पाव तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, और मसाला पाव में बटर ना डाले तब तक अच्छा कैसे लगेगा वो। तो ये बटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और पैन के अंदर अच्छे से मैं इसे फैला दूँगी। फ्रेंड्स, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को अगर आप बटर में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनने वाली है। अब बटर के अंदर हमें रखने हैं ये ब्रेड्स, तो ये जो मोटे वाले ब्रेड्स हैं इसे हमने रख दिया है बटर के अंदर, और इन्हें दोनों साइड से बटर लगा के हमें सेकना है। अगर आप ब्रेड पर बटर पहले लगा देंगे और हल्का सा इन्हें सेक लेंगे दोनों तरफ से, तो जब हम इन्हें स्टफ़ करके बनाएंगे तो इनके अंदर कच्चापन नहीं रहेगा और ये बिल्कुल पाव की तरह लगते हैं अगर आप इन्हें बटर में सेक लेते हैं। तो इस तरीके से बाकी की जो ब्रेड्स हैं उसको भी मैं सेक लूँगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 ब्रेड ही इस्तेमाल करी हैं। फ्रेंड्स, ये बचे हुए ब्रेड्स को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर आप इन्हें बच्चों को खिलाएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो टिफ़िन में भी ये रेसिपी बनाकर दे सकते हैं, बच्चे पूरा लंच ख़त्म करके ही घर आने वाले हैं। 2 ब्रेड तो फ्रेंड्स सीख चुके हैं, बाकी के जो 2 ब्रेड्स हैं उनको भी मैं इसमें अच्छे से सेक लूँगी, बटर लगा लूँगी इनके दोनों तरफ। तो ब्रेड्स तो सीख कर तैयार हो गई हैं, मैंने इन्हें प्लेट पर निकाल लिया है। अब जो पैन है उसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। तो अब दोबारा से 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ, और आपको जो गैस का फ्लेम है उसे बिल्कुल लो रखना है, अदरवाइज़ बटर जलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ये बटर मेल्ट हो जाएगा, हम जो बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बटर के अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक जो हमने बारीक काटा हुआ है। फ्रेंड्स, इसे पहले हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। बिल्कुल अच्छे से बटर के अंदर हम इसे चलाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बटर ना जले तो इसके अंदर आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, उससे बटर बिल्कुल भी जलता नहीं है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा। तो यहाँ पर देखिए पक चुका है थोड़ा सा लहसुन और अदरक, तो मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और जो बाकी की सब्ज़ियाँ हैं उसे भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो कटे हुए प्याज हैं वो डाल रहे हैं हम। प्याज थोड़े भुने हुए ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसे पकाएंगे बटर के अंदर। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए भून रही हूँ मैं प्याज को, और उसके बाद मैं बाकी की सब्जियाँ भी ऐड करूँगी। टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं, और चलाते हुए इसे थोड़ा भून लेंगे जब तक कि सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से पक नहीं जाती। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप इनको मैश कर लीजिए ताकि इसका बढ़िया सा फ्लेवर आ सके हमारी रेसिपी में। अब इसके अंदर शिमला मिर्च हम डाल देंगे, शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेंगे मसाले के अंदर, और इसके बाद हम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इसका। और थोड़ी सी यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अवॉइड कीजिएगा। और मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर डाल रहे हैं हम चाट मसाला, चाट मसाला नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा फ्लेवर में कमी रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, चाट मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे।
और लास्ट में हम इस मसाले में ऐड कर रहे हैं नींबू। आप चाहें तो आमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसे खट्टापन देने के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अभी हमें इसे ढककर पकाना है ताकि जो सब्जियां हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैं इसका लो फ्लेम कर इसे 5 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। 5 मिनट बाद आप देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है ना हमारी स्टफिंग का, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी स्टफिंग, हमने एक बाउल में निकाल कर अलग रख ली और इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आ रहा है। और जो ब्रेड ये रही जो हमने बटर में सेकी थी, ये 4 ब्रेड्स हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करनी स्टार्ट करेंगे। अब जो ब्रेड है उसके अंदर हम इस तरीके से स्टफिंग लगाते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको फिल नहीं करना है, सिर्फ आधी ब्रेड पर लगाइएगा और उसके बाद ब्रेड को आपको रोल करना है इस तरीके से। तो स्टफिंग के बाद कुछ इस तरीके से आपकी ब्रेड दिखने वाली हैं और हम इसको अभी और सेकेंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से स्टफ करते हुए सारी ब्रेड्स को हम रख लेंगे अलग। फ्रेंड्स ये फिल करने के बाद ओपन हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, एक नाइफ लेना है और इस तरीके से कट लगाना है अपनी ब्रेड में, जिससे कि ये ओपन नहीं होंगी और दो अलग अलग सेपरेट ब्रेड्स भी आपके बन जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये चारों ब्रेड्स हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे नमकीन। ये आलू भुजिया है, आप कोई भी नमकीन इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं, जिससे कि ये जो मसाला पाव है और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं। तो इसके अंदर हम ये नमकीन स्टफ कर लेंगे। मसाला पाव ऑलमोस्ट रेडी है, तो अभी हम इसको सेक लेंगे थोड़ा सा और बटर लगा के। इस रेसिपी में बटर थोड़ा ज़्यादा हम डाल रहे हैं क्योंकि मसाला पाव का टेस्ट भी तो लाना है ना। तो यहाँ पर एक टेबलस्पून, बड़ा वाला टेबलस्पून मैंने बटर और डाल लिया है और इसके अंदर हम अभी जो ब्रेड्स हमने बना कर रखे हैं उन्हें डालेंगे। लेकिन ब्रेड डालने से पहले इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि ब्रेड के ऊपर भी मसाले की कोटिंग हो जाए और वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके अंदर आप चाहें तो धनिया पत्ता भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो धनिया पत्ता भी थोड़ा सा भून लेंगे हम बटर के अंदर, और इसके बाद जो ब्रेड्स हमने स्टफ करके रखे हुए थे वो इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। दोनों साइड से हमें बटर और मसाला इस ब्रेड के ऊपर कोट करना है। तो उसी तरीके से आप पहले नीचे की तरफ से इसमें बटर एंड मसाला लग जाने दीजिए, उसके बाद इसको पलट लीजिएगा। नीचे से करारा हो जाने के बाद इन्हें पलट देंगे और आप देखिए कितनी सॉफ्टनेस आ गई है ब्रेड के अंदर, एकदम बढ़िया करारापन भी है और अंदर की तरफ से काफ़ी सॉफ्ट भी लगते हैं। खाकर देखिएगा, बनाकर ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं और आपके बेकार ब्रेड्स का यूज़ भी हो जाएगा और इससे बढ़िया यूज़ आप कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारे ब्रेड्स को सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो ब्रेड्स हैं उनको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा और नमकीन मैंने लगाया है, थोड़ा सा मसाला लगाया है, अंदर जो भरा हुआ था वही मसाला मैंने बचा कर रखा था। कितने टेस्टी और बढ़िया लग रहे हैं ये देखने में, खाने में तो और भी ज़्यादा लाजवाब आपको लगने वाले हैं और आपके बेकार ब्रेड का इससे अच्छा यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। आई एम डैम श्योर कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।